भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जेपी नड्डा ने अपने एक्स संदेश पर कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की सादर शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रतिष्ठा, जनता जनार्दन के बहुआयामी विकास व राष्ट्र के सार्वभौमिक उत्कर्ष को आपने साकार स्वरूप प्रदान किए हैं। अंत्योदय का हमारा ध्येय आज देश के प्रत्येक गांव में व समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर विकसित भारत के संकल्प सिद्धि का मंत्र बन गया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कोटिश कार्यकर्ताओं को सदैव आपका नेतृत्व प्राप्त होता रहे। आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो। और जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी साझा किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के कल्याण के बारे में सोचा, राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है। एक अत्यंत सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनके जीवन, उनके मन में गरीबों के लिए काम करने की, जीवन स्तर को बदलाव लाने की भावना बचपन से ही दृढ़ रही है। उनकी यह दृढ़ता उनकी नीतियों में, योजनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए उनकी हर नीति के केंद्र बिंदु में देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित ही हैं। एक निर्वाचित प्रमुख के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 20 वर्षों का लंबा अविरल कार्यकाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबके प्रयास के प्रति समर्पित रहा है। सबके प्रयास को साथ लेकर जन भागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी हो सकता है। मैंने बहुत नज़दीक से अनुभव किया है कि उनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बताती हैं। कठोर परिश्रम करना, स्पष्ट दृष्टि रखना और जनता की भलाई के लिए समर्पित रहना उनका स्वभाव है। उनसे हम सबको देश के लिए सतत कार्य करने और करते रहने की प्रेरणा मिलती है। उनके नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया। आज उनके नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की जगह विकासवाद की राजनीतिक संस्कृति प्रतिष्ठित हुई। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है। देश की जनता के साथ उनका एक भावनात्मक संबंध है। वे हर भारतवासी के दिल में रचे बसे हैं। वे देशवासियों को हमेशा समाज के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करने वाले आधुनिक भारत के समाज सुधारक भी हैं। उनकी एक आवाज पर संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर लक्ष्य को साकार करने के प्रति तत्पर हो जाता है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि उनके बेदाग सार्वजनिक जीवन एक राजश्री का जीवन है जिसका एक ही उद्देश्य है जन जन का विकास। उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है। वे हमेशा समस्याओं का समाधान रचनात्मक सोच के माध्यम से करते हैं। उनका एकमात्र ध्येय भारत वर्ष को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण
एवं जल कल्याण में अपने को समर्पित कर हमें एकजुट होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करें।